हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप सभी का केवी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं मैथ फैकल्टी कुमार सर आप लोगों को मैथ के बारे में कुछ बताने आया हूं। पिछले सेशन में भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, जैसे स्क्वायर कैसे सीखे, क्यूब कैसे सीखे, स्क्वायर रूट कैसे निकाले, क्यूब रूट कैसे निकाले, और मल्टीप्लिकेशन का भी एक वीडियो दिया था। तो आज मल्टीप्लिकेशन का सेकेंड वीडियो है और सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जनरल रूल जो सब पे फॉलो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो अंक का गुना, तीन अंक का गुना और चार अंक का गुना, पाँच अंक का गुना सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं हम दो अंक का गुना, यानी अगर हमें 24 में 36 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करें। तो बचपन में हमने सीखा है कि इसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो चलिए पहले उसी रूल पे देखते हैं। यानी 4 6 24 के 4 लिखते थे, हासिल 2, यानी 6 2 12 2 14 लिखते थे, और यहाँ क्रॉस का सिंबल देते हैं, और फिर यहाँ पे 3 4 12 2 3 2 6 1 7 ऐसे करके, फिर इसको 4 4 4 2 6 7 1 8। तो इस तरह से हम 3 स्टेप में करके मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट निकालते हैं, और बचपन से यही करते आए हैं। बट अब हम लोग एक इसी चीज़ को, इस तीन लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट कैसे करें, सिंगल वन लाइन में, तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी पे लेकर के चलेंगे। तो चलिए सेमी चीज को लेते हैं, 24 36, यानी 24 को 36 से गुना कैसे करें। तो पहले इसको ऊपर वाले को नीचे वाले से करें, 6 4 24 के 4 हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। अब जैसे ही इसका इससे कर देते हैं, अब क्रॉस में कर लेंगे, यानी 4 3 12 6 2 9 12 12 12 24 और 2 26 के 6 हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। अब जैसे क्रॉस में हो गया, तो अब इसको लास्ट वाले से करते हैं, यानी 3 2 9 6 और 2, देखिए जो कैरी लिए उसको बिठा देंगे, हमारा आंसर क्या हो गया, 864 हो गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब एक और देख लेते हैं, 36 और 42, यानी 6 2 9 12 के 2 हासिल 1, 6 4 24 3 2 9 6 24 6 6 4 24 6 24 6 30 31 के 1 हासिल कितना, 3 हो गया, 4 3 12 3 15। बहुत ही इजी है, निकाल लिए। मल्टीप्लिकेशन का एकदम यूज आपके एग्जाम में पड़ता ही पड़ता है, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग अभी 2 अंक का सीख रहे हैं, फिर 3 अंक का सीखेंगे, फिर 4 अंक का सीखेंगे, फिर पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, कहीं छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आरबी का एग्जाम आने वाला है, सितंबर से अक्टूबर में एग्जाम होगा और उसमें सिलेक्शन पाना है, तो इस वीडियो को देखना एकदम जरूरी ही जरूरी है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए अब 92 × 67 ले लेते हैं, क्या करेंगे, 7 2 9 14 के 4 हासिल कितना, 7 2 9 14 हासिल कितना, 1 हो गया। अब देखिए 6 2 9 12 9 7 63 और 6 2 9 12 63 2 65 75 76 के 6 कैरी कितना, 7 आया। अब इसको इसे 9 6 54 और 7 7 4 11 54 7 61, यानी 61 64 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से इजी वे में हम इसको मल्टीप्लिकेशन को निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं, 59 और 64 कैसे करेंगे, 9 चौका 36 के 6 कैरी कितना हुआ, 3 हो गया। अब बीच वाले को करेंगे बीच वाले से, यानी 9 6 54 5 चौका 20 54 74 और 3 77 के 7 कैरी कितना, 7 हो गया। 6 5 30 और 7 37, बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। 63 और 54 करेंगे, 4 3 12 के 2 कैरी कितना, 1 आएगा। 6 4 24 और 5 3 15 24 और 15 कितना हुआ हमारा, 6 4 24 और 5 3 15 5 9 39 और 39 1 40 के 0 कैरी कितना, 4 आया। 6 5 30 और 34, यानी 34 02। तो इस तरह से करके हम लोग 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं, 4 3 और 64 लेते हैं, 4 3 12 के 2 लिखेंगे, कैरी कितना लेंगे, 1 ले लेंगे, यानी 6 3 18 4 4 16 18 16 क्या होगा, 34 हो जाएगा, 18 और 16 34 6 3 18 4 4 16
34 एक 35 के 5 कैरी कितना 3, अब लास्ट वाले को लास्ट 6 चौका 24 3 27। तो इस तरह से करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग का 2 अंक का हो गया, अब 3 अंक का सीखते हैं इसी पे। चलिए 3 अंक में छोड़ सा लेते हैं कि अगर हमें 2, 4, 6, 3, 5 और 4 मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट से 6 चौका 24 के 4 लिखेंगे और कैरी कितना 2 लिखेंगे। 6 चौका 24 के 4 कैरी 2, जैसे ही इसमें कर लेंगे अब इस 2 में करेंगे, यानी 5 6 30 4 चौका 16, 5 6 30 4 चौका 16 30 40 6 46 47 48 के 8 कैरी कितना होगा 4 होगा। अब जैसे ही 2 का कर लेंगे, पहले इससे करना है इसको इससे, फिर इसको यहाँ तक पहुँचना है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ध्यान से देखिएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, यानी अगर इसमें 4 × 2 करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 6 × 3 करेंगे 18 हो जाएगा, और बीच वाले को बीच वाले से यानी 4 × 5 हो जाएगा 20, और कैरी तो 4 हमको पता है ही, यानी 20, 18, 38 और 8, 46 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 50, 50 के क्या लिखेंगे 0 कैरी कितना जाएगा 5। बस ये याद रखना है कि लास्ट वाले को लास्ट वाले से 4 × 8, 6 × 3 = 18, 5 × 20 और लास्ट में कैरी जोड़ देंगे। देखिए अब जैसे ही यहाँ तक हो गया तो इसको क्या करेंगे ढक देंगे, यानी अब इसको करेंगे 5 × 10, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 10 = 22 और 5 = 27 के 7 कैरी कितना हो गया 2 हो गया, फिर अब इसको रख देंगे 3 × 6 = 28। मतलब पहले एक बार प्रोसेस को सीखने के लिए हम लोग इसको कॉपी पे भी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन जब एक बार सीख जाएंगे तो उसको आसानी से अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए तो एक और देख लेते हैं, 4 3 5 2 6 4, सिंपली क्या करना है इसको 5 चौका 20 के 0 लिखना है, 5 चौका 20 कैरी कितना 2 हो गया, 4 3 12 6 5 30, 4 3 12 6 5 30, 30 40 2 42 2 44 के 4 कैरी कितना 4 हो गया। अब जैसे ही 44 के 4 लिखे अब इसको इससे 4 चौका 16 5 × 10, 4 चौका 16 5 × 10 16 10 26 और 6 3 = 18, 26 8 34 10 44 4 48 के 8 कैरी कितना 4 हो गया। 6 चौका 24 3 × 6, 6 चौका 24 6 30 4 34 के 4 कैरी कितना 3 4 × 8 3 11, यानी 11 48 40। तो इस तरह से करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, 4 3 6 4 2 3, सिंपली है, 6 चौका 24 कैरी कितना 2 क्रॉस 6 × 12 4 3 = 12, 12 12 24 2 26 के 6 कैरी कितना 2, 4 चौका 16 6 3 = 18, 16 और 18, 4 चौका 16 6 3 = 18, 16 16 32 2 34 और 3 × 6 34 6 40 2 42 के 2 कैरी कितना 4। अब देखिए 4 × 8 3 × 6, 4 × 8 8 6 14 14 और 4 18 के 8 हासिल कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे इससे कर लेंगे 4 3 12 के 12, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 12 82 64। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 5 4 3 2 2 6 4, सिंपली क्या करना है 4 3 ही लास्ट में आ जा रहा है तो यहाँ पे 5 लेते हैं इस बार, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 चौका 20 6 3 = 18, 20 18 38 1 39 के 9, 50 25 3 × 6, 25 6 31 6 चौका 24, 25 6 31 6 चौका 24 कितना हुआ 30 20 50 5 55 और हमारा सॉरी ये हम लोगों ने जो
कैरी था उसको छोड़ दिया था। एक बार देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे पहले कैरी क्या होगा, पाँच तिया के पंद्रह के पाँच लिखे हैं, कैरी वन आया, पाँच चौका बीस, छौतरी का अठारह, बीस और अठारह अड़तीस एक उनचालीस के नौ, कैरी कितना तीन आ गया, अब पचास पच्चीस, तीन दूना छः पच्चीस, छः इकतीस और पाँच चौका छः चौका चौबीस, इकतीस और चौबीस पचपन और तीन अंठावन के आठ, कैरी कितना पाँच आ गया। जैसे ही तीन अंक का हो गया इसको ढक देंगे, पाँच छक तीस, चार दूना आठ, तीस आठ अड़तीस और पाँच, अड़तीस पाँच तैंतालीस के तीन, कैरी कितना हो गया चार आ गया। और फिर अब इसको रख देंगे, पाँच दूना दस चार चौदह, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, चौदह अड़तीस पंचानवे। चलिए एक दो और देखते हैं, पाँच चार दो और छः, बार बार चार अंक ले रहे हैं, छः चार दो, छः दूना बारह के दो हासिल, एक लिख देंगे, छः चौका चौबीस, चार दूना आठ, चौबीस आठ बत्तीस, एक तैंतीस के तीन, कैरी कितना तीन हो गया, पाँच छक तीस और दो दूना चार चौंतीस और सोलह, चौंतीस और सोलह पचास और तीन तिरपन के तीन, कैरी कितना पाँच हो गया। अब देखिए, पाँच चौका बीस, चार दूना आठ, बीस आठ अट्ठाईस और पाँच तैंतीस के तीन, कैरी कितना तीन हो गया। फिर इसको ढक देंगे, पाँच दूना दस और तीन तेरह। तो इस तरह से हम लोग तीन अंक का भी मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो हम लोग अब फोर डिजिट का मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, यानी टू थ्री फोर फाइव में टू फोर सिक्स थ्री से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए सिंपली क्या करना है, कल हम पाँच तिहाई पंद्रह के पाँच लिखेंगे, कैरी कितना एक लिखेंगे। अब इस दोनों में लेंगे, छः पच्चे तीस, चार तीय बारह, तीस बारह बत्तीस एक, तैंतीस के तीन, कैरी कितना तीन लेंगे। अब जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे फिर अब यहाँ से तीनों को लेकर चलेंगे, यानी तीन तिहाई नौ, पाँच चौका बीस, तीन तिहाई नौ और बीस उनतीस और छः चौका चौबीस, उनतीस और चार तैंतीस और बीस तिरपन और तीन छप्पन के छः, कैरी कितना पाँच। अब क्या करेंगे, अब यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और बीच वाले को बीच वाले से, यानी इसका इससे इसका इससे और इस दो का तीन से पाँच का दो से। ध्यान रखना है, इस तीन का दो से तीन, देखिए लिखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, तीन गुने दो क्या आएगा छः आ जाएगा, पाँच गुने दो क्या आएगा दस आएगा, तीन गुने छः क्या आएगा अठारह आएगा और चार गुने चार सोलह आएगा। देखिएगा एक बार, इससे इसमें तीन गुने दो छः, पाँच दूना दस, छः त्रिका अठारह, चार चौका सोलह। अब इस सबको जोड़ देंगे और प्लस ये पाँच कह रही है इसको भी जोड़ देंगे, जोड़िए, छः पाँच ग्यारह आठ उन्नीस और छः पच्चीस के पाँच, छः पाँच ग्यारह आठ उन्नीस, छः पच्चीस के पाँच, कह रही कितना दो तीन चार पाँच, यानी क्या आया हमारा पचपन, पचपन के क्या लिखेंगे पाँच, कैरी फिर वही पाँच आ गया। जैसे ही यहाँ तक पहुँच गए इस वाले पार्ट को ढक देना है, जैसे ही यहाँ तक पहुँच गए पहले वाले दोनों पार्ट को ढक देना है। अब अगला लेंगे, छः दूना बारह, छः दूना बारह, चार दूना, चार दूना आठ, बारह आठ बीस और चार तीन बारह, बीस बारह बत्तीस और पाँच सैंतीस के साथ, कैरी कितना तीन। अब इस वाले पार्ट को ढक देंगे, क्या लिखेंगे, चार दूना आठ, तीन दूना छः, आठ छः चौदह तीन सत्रह के साथ, कैरी कितना एक। अब इस वाले पार्ट को देंगे, दो दूना चार एक पाँच, क्या आएगा हमारा आंसर फाइव सेवन सेवन फाइव सिक्स थ्री फाइव। एक दो और देखते हैं, फोर फाइव टू सिक्स थ्री टू एट टू ले लेते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले इस दोनों का, छः दूना बारह के दो, कैरी कितना एक। अब इस दोनों में दो दूना चार, आठ छक अड़तालीस, अड़तालीस चार बावन एक तिरपन के तीन, कैरी कितना पाँच ले लेंगे। अब इसमें पाँच दूना दस, छः दूना बारह, पाँच दूना दस, छः दूना बारह, बारह दस बाईस और आठ दूना सोलह, बाईस छः अट्ठाईस और दस अड़तीस और पाँच तैंतालीस के तीन, कैरी कितना चार। जैसे ही हो गया फिर अब इससे इसमें चार दूना आठ, छः त्रिका अठारह, कॉर्नर टू कॉर्नर करना है, छः त्रिका अठारह, चार दूना आठ, अठारह आठ छब्बीस, छब्बीस आ दो दूना चार, छब्बीस चार तीस आ पाँच अट्ठे चालीस, तीस सत्तर आ चार चौहत्तर के, चौहत्तर के चार, कैरी कितना सात हो गया। जैसे ही चौथा पहुंच जाएंगे इसको ढक देंगे, आठ चौका बत्तीस, तीन दूना छः बत्तीस, छः अड़तीस, आठ चौका बत्तीस और तीन दूना छः बत्तीस, छः अड़तीस और पाँच दूना दस,
38 10 48 48 7 55 के 5 कैरी कितना 5, जैसे यहाँ तक हो गया इसको रख देंगे, 4 2 9 8 5 3 15 15 8 23 5 28 के 8 कैरी कितना 2, फिर अब इसको रख देंगे 4 3 12 2 14, यानी 14 85 43 32 हमारा आ गया इसका आंसर, यानी 4 अंक का भी हम लोग सीख गए। एक दो और देखते हैं, 5 3 6 4 7 6 5 4, 7 4 28 के 8 कैरी कितना 2, 7 6 42 6 4 24, 7 6 42 6 4 24, 42 24 कितना होगा 42 4 46 और 20 66 67 68 के 8 कैरी कितना 6। अब देखिए यहाँ पे 7 3 का 21 5 4 का 20 21 20 41 और 36 41 36 67 और 67 67 7 6 13 76 के 6 कैरी कितना 7 हो गया। अब देखिए जैसे चौथा पहुँचेंगे, यानी यहाँ से यहाँ 5 7 35 4 4 16 35 16 51 और 6 3 18 51 8 59 10 69, एक बार और करके देख लेते हैं, 7 5 35 लिख लीजिए बगल में, अगर अगर थोड़ा सा भी देखना है कि जहाँ भी हमें समझ में नहीं आया क्या करना है उसे लिख लेना है, मतलब समझने का मतलब नहीं है कि ये चीज़ें हमें याद रहना चाहिए। यानी देखिए 5 7 35 हमने लिखा, 4 4 16 लिखा, 6 3 18 लिखा और 5 6 30 लिखा, इससे लिखने से क्या होगा कि माइंड हमारा फिट हो जाएगा, 2 4 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक खुद से बनना शुरू हो जाएगा। देखिए 7 5 35 4 4 16 35 16 क्या हो गया 51 हो गया और 6 3 18 51 और 8 51 8 59 61 9 69 और 69 और 30 यानी 70 30 100 99 और 99 7 9 7 16 106 के 6 लिखेंगे कैरी कितना हमारा दिख गया 10, कैरी इस बार क्या आएगा 10 आएगा। जैसे ही हम चारों का हो गया इसको ढक देंगे, अब 6 5 30 6 4 24 30 20 50 4 54 और 5 3 15 54 और 5 3 15 यानी 69 69 1 70 और 79 यानी कैरी कितना आ गया हमारा 7 आ गया। फिर अब इसको ढक देंगे, 50 25 और 4 3 12 25 20 27 10 37 और 37 7 7 7 44 के 4 कैरी कितना 4 आ गया। अब इसको ढक देंगे, 5 4 20 24 यानी हमारा आंसर क्या आ गया 24 49 66 88। तो इस तरह से करके 4 अंक का, थोड़ा सा लगेगा कि टफ है बट 2 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए दो और देखते हैं, 4 3 6 5 4 2 6 4 ले लेते हैं, 5 4 20 के 0 करी कितना 2, 6 4 24 5 2 10 24 10 34 2 36 के 6 करी कितना 3, 4 3 12 6 5 30 30 40 2 42 6 2 12 42 2 44 10 54 3 57 के 7 कैरी कितना 5। अब इस चौथे में पहुंचेंगे, 4 4 16 5 4 20 20 16 36 6 6 36 72 3 2 6 72 6 78 5 8 5 83 के 3 कैरी कितना 8। जैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए इसको ढक देंगे, अब 4 2 9 8 और 6 4 24 24 8 32 6 3 18 32 18 50 8 58 के 8 कैरी कितना 5। अब इसको ढक देंगे, 6 4 24 4 3 12 36 5 36 5 41 के 1 कैरी कितना 4 4 16 4 4 4 16 4 सॉरी 20 हो जाएगा हमारा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 20 18 37 60। तो इस तरह से हम लोग 4 अंक का भी निकालना सीख गए। बस एक और देख लेते हैं, चलिए इसको आप लोग बनाइएगा, 8 2 6 4 7 5 0 और 7। देखिए 0 अगर ना दिया रहे, मतलब 0 हम इसलिए दिए हैं कि कभी कभी गुना होता है 4 अंक गुने 3 अंक का, तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ 0 रख लेते हैं। तो इसको क्या बनाएं, कैसे बनाएं, चलिए देखते हैं, 7 4 28 के 8 कैरी कितना 2 हो गया, 5 4 20 7 6 42 40 20 60 62 64 के 4 कैरी कितना 6 हो गया, 7 2 9 14 7 4 28 28 4 32 10 42 और 6 5 30 72 6 78 के 8 कैरी कितना 7 हो गया।
अब चौथा में करना है, यानी इस 8 का 7 से 8 सत्ते 56 चार जीरो जीरो, 56 हमारा आ गया और प्लस जीरो आ गया। अब देखिए दोनों कर लिए, अब अंदर वाले 7 छक 42 और 5 दूना 10 हो गया, और 7 तक कैरी है नहीं है, तो 6 2 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 4 9 10 1 11 यानी 115। क्या लिखेंगे, 15 के 5 कैरी कितना हो जाएगा हमारा 11। जैसे ही 4 का हो गया इसको ढक देंगे, 8 5 40 जीरो का जीरो यानी 40 0 40 और 7 2 14 40 50 4 54 55 10 65 के 5 कैरी कितना 6 हो गया। अब इसको ढक देंगे यानी 8 7 56 2 0 0 56 का जीरो 56 ही होगा, 56 6 62 कैरी कितना फिर 6 यानी, अब देखिए अब इसको ढक देंगे तो 8 0 क्या होगा 0 यानी यहाँ पे हमारा 6 ही आएगा। हमारा आंसर क्या आ गया 6 2 55 8 4 8। तो चलिए 4 वाला भी सेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए, 2 अंक का सीखे, 3 अंक का सीखे, 4 अंक का सीखे, और 4 अंक तक सीखे तो इससे आपको लगभग लगभग सारा गुना कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। बट अब कुछ रूल भी है बीच में, 17 का 15 कैसे करें, मतलब बीच में कुछ ट्रिक है, बट आप जब ये जनरल रूल जब आप सीख जाएंगे तो आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे अभी लगे कि 100 ± 200 ± 300 में, तो वहाँ पे वो अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे ये अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर इतना सारा ट्रिक सीखे क्यों, तो इसलिए ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज करें, बस दो ही लेके चलना है, जहाँ पे वो लग जाए वहाँ पे वो, जहाँ पे ये लगे तो ये लेके चलना है। तो चलिए अब ये सेशन भी कंप्लीट करते हैं हम लोग, और अगले सेशन में फिर आएंगे और फिर हम लोग कुछ ना कुछ अलग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जो भी अगर दिक्कत लगे तो बताइएगा, और तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ प्लीज़ इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक यू।